मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने वाले विवेक बिंद्रा विवादों में आ गए हैं। बीते कुछ वक्त से संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा का विवाद सुर्खियों में था, लेकिन अब विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। इस मामले में नोएडा के एक थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। कहा जा रहा है कि शादी के एक हफ्ते बाद ही विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। ये केस विवेक बिंद्रा की पत्नी के भाई ने दर्ज कराया है। इसके साथ ही उनकी पत्नी को पीटने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विवेक बिंद्रा के YouTube पर 21.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। विवेक बिंद्रा के खिलाफ नोएडा के थाना 126 में FIR दर्ज कराई गई है। FIR के मुताबिक विवेक बिंद्रा की इस साल की 6 नवंबर 2023 को यानिका से शादी हुई थी। विवेक बिंद्रा अपने परिवार के साथ सेक्टर 94 में बने सुपरनोवा अपार्टमेंट में रहते थे। शिकायत के मुताबिक 7 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा देर रात अपनी मां प्रभा के साथ किसी बात को लेकर बहसबाजी कर रहे थे। बहस बढ़ने के बाद उनकी पत्नी यानिका बीच में आई और उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की। आरोप है कि पत्नी यानिका के बीच बचाव करने पर विवेक बिंद्रा का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बुरी तरह से मारपीट की और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मारपीट में उन्हें कई गंभीर चोटें आई, जिसके बाद यानिका ने किसी तरह अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने पर यानिका के परिजन पहुंचे और उन्होंने उसे दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले से जुड़े कुछ वीडियोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में विवेक बिंद्रा अपनी पत्नी को सोसाइटी गेट के बाहर की तरफ धकेलते और घसीटते हुए दिख रहे हैं। वहीं एक और वीडियो में यानिका बुरी तरह से घायल नजर आ रही हैं।